छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 102 जने सुरक्षा पर उठे सवाल, लेकिन लोगों को नहीं मिला इस सुविधा का कोई भी लाभ। स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्रसूता ने बच्चे को दिया जन्म। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन। स्वदेशी जागरण मंच ने किया चीनी सामानों का बहिष्कार, साथ ही पानी की समस्या के मूल कारणों पर डाला गया प्रयास। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को भेजा नोटिस, 1625 शिक्षकों को बर्खास्त करने का सुनाया फरमान, योग्यता दायरे का पंजीयन नहीं कराने पर की जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के देवास में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर साफ सफाई का कार्यक्रम आयोजित, महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक चलेगा साफ सफाई का कार्यक्रम। और मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर सांसद और विधायकों ने लगाई झाड़ू, साथ ही स्वच्छता अभियान का दिया संदेश, लगातार चलेगा 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आप सबका स्वागत है हमारा मध्य प्रदेश और हमारे छत्तीसगढ़। कोटा के विकासखंड के लोकबंद गांव की हेमलता खुटे और पति संजय खुटे ने शासन की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 102 जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया था, जिसका लाभ वहां के लोगों को अब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब एक प्रसूता के परिजनों ने जननी सुरक्षा वाहन को फोन लगाया तो वो नहीं पहुंच पाया। इस कारण से परिजन प्रसूता को लेकर लोकबंद से कोटा स्वास्थ्य केंद्र तक मेटाडोर द्वारा गए, जिसके चलते समय पर नहीं पहुंच पाने से स्वास्थ्य केंद्र कोटा के सामने ही मेटाडोर में प्रसूता ने नवजात शिशु को जन्म दिया। कल 7 बजे दर्द शुरू हुई थी, 6 बजे तो एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस पहुंचा ही नहीं, 2-3 जगह लगाए तो 1-1.5 घंटा टाइम हो गया, फिर बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया तो प्राइवेट करके छोटा हाथी में आए थे। 9 बजे यहाँ भर्ती हुई है, उसके आने के पहले ही उसकी डिलीवरी मेटाडोर में हो चुका था, उसको फिर यहाँ एडमिट किया गया है। नहीं, वो तो वो बात है, वो तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी तो जल्द, मतलब डिलीवरी के लिए कई बार वक्त नहीं रहता है ना, जल्दी से डिलीवरी भी हो जाता है। नहीं, सब कल मौजूद थे, पूरे डॉक्टर सिस्टर और धनलक्ष्मी करके स्वीपर है वो भी मौजूद थी। यानी वहीं चीनी सामान का बहिष्कार का स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने कचहरी में जल संरक्षण संकल्प दिवस पर लोगों को जागरूक किया और साथ ही कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष मेघाराम साहू, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए। स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने पानी की समस्या के मूल कारणों पर प्रकाश भी डाला और उसकी रोकथाम के लिए वृक्षारोपण करने और घरों में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर लेवर हार्वेस्टिंग लगाने का आह्वान किया है। ये एक तरह का आह्वान है कि कृपया अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के मान और गरिमा को बना के रखने के लिए हम अपने ही देश के वस्तुओं का उत्पादन अपने इस्तेमाल में लाएं और विदेशी वस्तुओं का बच। तो जशपुर जिले के 1625 शिक्षकों को बर्खास्त करने के फरमान से हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल में पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता के दायरे से बाहर होने वाले शिक्षकों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को नोटिस भेजकर ये जानकारी दी है और कहा है कि आप अपनी 12वीं श्रेणी पूरी तरह से सुधार लें और बीएड और डीएड के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित 2 वर्षीय डीएलईएड कोर्स में 15 सितंबर तक पंजीयन करा लें। जो भी शिक्षक पंजीयन नहीं करता है तो अब उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नहीं देखिए, डीएड बीएड करना तो अनिवार्य है, शैक्षिक अर्हता है, किंतु और एनआईएस के थ्रू जो दिल्ली से जो कराया जा रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो लोग नहीं हैं प्रशिक्षित उन लोगों को प्रशिक्षित करने का एक अच्छी योजना है और थोक में ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 50% जिन्होंने 12th क्लास में प्राप्त नहीं किया है उनके लिए थोड़ा न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 75, 80, 95 में अपना 12th क्लास क्लियर किया है और अभी रिटायर होने के कगार पे हैं, नियमित जो नियमित शिक्षक हैं, साथ में हमारे शिक्षाकर्मी भाई भी हैं जिन्होंने 90 के दशक में विभिन्न हालातों में जो है 12th क्लास को पास आउट किया है, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अगर और न्यूज़ के माध्यम से
कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक जो कि अप्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए 15 सितंबर 2017 को जो है अंतिम तिथि पंजीयन हेतु निर्धारित किया गया है और इस पंजीयन के बाद यदि कोई शिक्षक अपंजीकृत रहता है जिसका पंजीयन नहीं होगा उन पर कार्रवाई कर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए नेशनल लाइव। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री दीपक जोशी के निर्देश द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और साथ ही नगर की हर गली मोहल्ले की सफाई इसमें की जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री से प्रेरणा स्रोत माननीय विधायक दीपक जोशी द्वारा किया जा रहा है और इस अवसर पर नगर परिषद हाट पिपल्या के मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, पार्षद और साथ ही समस्त भाजपा कार्यकर्ता और नगर के साफ सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बेटियों को हल के साथ जोतकर खेती कराने वाले किसान को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। किसान सरदार सिंह की मदद की घोषणा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार ने की थी और साथ ही आज प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा मांडवी चौहान ने सीहोर जिले के बसंतपुर पांगड़ी कर बच्चियों के हाथ में 50,000 रुपए का चेक दिया है। साथ ही आपको बताएं कि बीते दिनों हल के साथ बेटियों को जोत कर खेती करते किसान की तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसके कारण 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुके मध्य प्रदेश में किसानों की ऐसी दुर्दशा को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश भी की थी। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह, भाजपा विधायक सहित सैकड़ों भाजपाइयों की भीड़ ने स्टेशन पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह और रेल जीएम ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर स्टेशन में झाड़ू लगाई और यात्रियों को स्वच्छता का संदेश दिया। आपको बताएं कि 15 सितंबर से शुरू हुआ यह स्वच्छता सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक लगातार चलता ही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है लेकिन ये तय किया कि इस जन्मदिवस को हम सभी सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और अभी से लेकर और 2 अक्टूबर तक यानी आज से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश होगी कि स्वच्छता और पवित्रता जिसके लिए भारत कभी जाना जाता था जिसका संदेश पूरी दुनिया को हमने दिया। सेवा कार्यक्रम जैसे कि अभी माननीय सांसद ने बताया ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है और इस पूरे पीरियड में कई कार्यक्रम होंगे। शुभारंभ 15 सितंबर के बाद आज ये श्रमदान का दिन है और इसके बाद इसी कड़ी में कई सारे और कार्यक्रम होंगे हमारे मेजर जो रेल। वहीं जहां उमरिया जिला के नौरोजाबाद थाने के अंतर्गत अभी 2 दिन पहले एक महिला ने पारिवारिक रंजिश के कारण खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, वहीं आज जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम चंदवार में घर के अंदर 17 साल की युवती रोशनी चौधरी का संदिग्ध हालत में शव पाया गया। मृतका की मां द्रौपदी चौधरी ने बताया कि मैं अपनी बेटी को घर में झाड़ू पोछा करने को कहकर खेत चली गई और वापस जब घर आई तो देखा कि मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। मेरा कहना यही है कि अगर आपके साथ में कोई ज्यादती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए समाज है, देश है, कानून है, पुलिस है, आप उनके बीच में जाएं, अपनी बातें कहें और अपना निराकरण जो भी समस्या है उसका करने की कोशिश करें, ना कि खुदकुशी करें या किसी तरह से अपनी अहलीला समाप्त करने के लिए कोई प्रयास करें। ये जीवन है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर कोई भी इस तरह की भ्रांतियां हैं समाज में या कोई परेशानियां हैं तो उसके लिए कानून का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें, ज़रूर आपकी समस्या हल होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थितियां हैं उनसे संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित रखें। और सबसे बड़ी बात है अपने अधिकारों को जानना। जब हमको अपने अधिकार मालूम रहते हैं तब हम प्रॉपर चैनल काम कर सकते हैं। अधिकतर जो महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती हैं उसके पीछे 2 ही कारण मुझे समझ में आते हैं, या तो वो भावुक होकर के ऐसा कदम उठाती हैं या किसी और कारण से गुस्से में आकर
देश में आकर के इस तरह के कदम उठा लेती हैं। लेकिन हम सभी महिलाओं से, अपनी बहनों से, सभी बहनें हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ इस तरह के कदम ना उठाएं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमारी प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है, नित नई योजनाएँ दे रही है, उन पर अमल करें, उनको जानें समझें। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए निशा लाइव। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीहोर में नसरुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र साफ सफाई करने के साथ साथ भर्ती मरीजों को भी फल वितरित किए, और साथ ही कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी द्वारा वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता रखने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि मालवीय, मंडल अध्यक्ष लखन यादव सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं छतरपुर के राजनगर की ग्राम पंचायत सूरजपुरा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भी शिरकत की। सीएम ने यहां सेवा ही स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया, और साथ ही इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले 10,000 शौचालयों की नींव भी रखी है। उन्होंने कन्याओं का पूजन और उनके पैर धोकर शौचालय के गड्ढे खोदकर उनकी नींव रखी। साथ ही इस दौरान उन्होंने किसानों को साधते हुए उन्हें बीजेपी सरकार में हर प्रकार की मदद देने का आश्वासन भी दिया है। सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर में 2 दिन से लापता युवक का बिना नंबर की कार में संदिग्ध अवस्था में मिला शव, एक युवक का वहां पर शव मिला है। और आपको बताएं कि पुलिस ने मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान की है। फिलहाल घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। हम लोग भी मेरे साथ में काम करता हूँ, उसकी पत्नी ही बोले भैया आज 2 दिन हो गया वो आया नहीं है जी। तो मैं उसको देखने गया और गाड़ी के अंदर उसको देखा, मतलब कॉलोनी में से कार खड़ी हुई थी, कौन सी कॉलोनी में खड़ी हुई थी? त्रिमूर्ति नगर। उसमें मृत अवस्था में पाया गया था जी। अच्छा, फिर उसकी सूचना आपने पुलिस को दी? अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई, मर कायम किया। नाम बताइए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतनपुर में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे शौचालय तो गड्ढा खोदने के अभियान में शामिल हुए। आपको बता दें कि सांची रायसेन मार्ग पर स्थित ग्राम रतनपुर में ट्विन पिट खोदने की शुरुआत की गई, और अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में आज ही 2 लाख गड्ढे खोदने का लक्ष्य रखा गया। वो जल्दी ही स्वस्थ होकर आएंगे ऐसा भी उन्होंने कहा है। और यहाँ अभी तकरीबन 27,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। मंदिर में भी भगवान जी की स्थापना करनी है, घर में भी भगवान जी की। फिलहाल के लिए हमारा मध्य प्रदेश में सिर्फ इतना ही, लेकिन आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 102 जन सुरक्षा योजना पर उठे सवाल, लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधा का लाभ, स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्रसूता ने बच्चे को दिया जन्म। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन, स्वदेशी जागरण मंच ने किया चीनी सामानों का बहिष्कार, साथ ही पानी की समस्या के मूल कारणों पर भी डाला गया प्रकाश। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को भेजा नोटिस, 1625 शिक्षकों को बर्खास्त करने का सुनाया फरमान, योग्यता दायरे का पंजीयन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के देवास में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर साफ सफाई का कार्यक्रम, महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक चलेगी साफ सफाई, नगर के भाजपा कार्यकर्ता और नगर सफाई कर्मचारी रहे मौजूद। और मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर सांसद और विधायक ने लगाई झाड़ू, साथ ही स्वच्छता अभियान का दिया संदेश, लगातार चलेगा 2 अक्टूबर तक ये सफाई अभियान।